भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के कारण चीन को फिर मात मिली है। चीन से आयात होने वाले कपड़े पर भारत ने रोक लगा दी है। भारतीय सेना की वर्दी में इस्तेमाल होने वाले चीनी कपड़े की जगह अब भारतीय कपड़े को जगह दी जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना लॉकडाउन के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम में अब भारतीय सेना की वर्दी यानी कि मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में इस्तेमाल होने वाले चीनी और कोरियाई कपड़े की जगह अब स्वदेशी कपड़े लेंगे। देश में सैन्य वर्दी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी और अन्य विदेशी कपड़ों की जगह लेने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारतीय कपड़ा उद्योगों को यार्न का उत्पादन करने में मदद कर रहा है, जो इस क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को समाप्त करने में मदद करेगा। DRDO में उद्योग इंटरफेस और प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय DIITM के निदेशक डॉक्टर मयंक द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना की गर्मियों की वर्दी के लिए ही करीब 55 लाख मीटर कपड़े की जरूरत होती है, और अगर नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की सभी जरूरतों को जोड़ लिया जाए तो ये जरूरत प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ मीटर से ऊपर पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के आह्वान से प्रेरित होकर DRDO ने सभी उत्पादों और विशेष रूप से रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता के लिए ये कदम उठाया है। अगर ये खास धागे और कपड़े सशस्त्र बलों के वर्दी बनाने के उद्देश्य से भारत में निर्मित किए जाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्नत कपड़े का उपयोग पैराशूट और बुलेट प्रूफ जैकेट की भविष्य की जरूरत के लिए भी किया जा सकता है। सेना के 50 लाख से अधिक जवानों के लिए हर साल 5 करोड़ मीटर से ज्यादा की फैब्रिक्स की आवश्यकता होती है। गुजरात में सितंबर में वर्चुअल बैठक में सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अनुरोध किया गया था कि वो देश की तीनों सेनाओं सहित विभिन्न सैन्य दलों की आवश्यकता के लिहाज से कपड़ा तैयार करे। आपको बता दूं कि रक्षा वस्त्रों में ग्लास फैब्रिक, कार्बन फैब्रिक, अरामिड फैब्रिक और एडवांस्ड सेरामिक फैब्रिक जैसे तकनीकी वस्त्रों का दायरा रक्षा प्रयोग में बहुत अधिक है। इसीलिए इस काम के लिए खास तौर पर चीन की जगह भारत के ही शहर अहमदाबाद को चुना गया है, जहां अब सेना के कपड़े तैयार किए जाएंगे। मोदी के इस निर्णय के बाद चीन की एक बार फिर आर्थिक कमर टूट सकती है। भारत के साथ चीन को ये दुश्मनी काफी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज न आने का खामियाजा अब चीन को भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भारत चीन के हर वार का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठा है। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए पहले डिजिटल स्ट्राइक की थी और अब कपड़े के आयात पर भी रोक लगाकर चीन को उसकी औकात याद दिला दी है कि भारत के साथ टकराना चीन के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।